Hello there, welcome again, this time with a medley of Hindi Bollywood songs, mostly based off of Raag Yaman. And हुआ यूँ कि एक दोस्तों की महफिल में मुझे ये गुलदस्ता पेश करने की मोहलत मिली और सवाल उठा कि जो संगीतकार इन नगमों को बांध देते हैं रागों पर सुरों को लेकर, उसको हम कैसे नोटेट करें और कैसे इसको एक सीखने का ज़रिया बनाएं, तो उसका प्रोसेस क्या होता है ये मैंने सोचना शुरू किया और मेरे अनुभव में जो आया मैं उसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। राग यमन बहुत ही बड़ा राग और मैं उस पर कुछ कह सकूँ ये मेरी क्षमता नहीं, लेकिन एक छोटी सी हिमाकत है, कुछ इधर उधर हो तो कृपया माफ़ करें। तो स्वरांकन जो है या स्वरलिपि निकालना किसी धुन की, उसके लिए सबसे पहले आपको एक बैरिंग पता रहनी चाहिए। तो वो गायक या गायिका ने किस सी शार्प, डी शार्प, जी शार्प या हिंदी में काली चार, काली एक, काली दो, ये सब जो बताया गया है पिच, उसको पहले आप पहचानना पड़ेगा कि किस पिच से वो गाना है। तो आपको बैरिंग मिल जाएगा, सा सा से फिर षड्ज है तो छः सुर उसमें से आ ही जाते हैं, तो सा मिल गया तो पा मिल गया। उसके बाद अगर राग यमन है तो हमको पता है उसका आरोह अवरोह कैसे है और थोड़ा बहुत उसका पकड़ चलन वगैरह, तो ये एक छोटा टूल बॉक्स बन जाता है हमारा, या कलर पैलेट कह लीजिए, जिससे फिर हम अपना एक मोटिफ बना सकते हैं, पजल पीसेस इधर उधर डाल के देख सकते हैं साहित्य में क्या क्या फ्रेजेज यूज़ हो रहे हैं, उसको पहचानने के लिए आसान हो जाता है। तो अभी जैसे को हमिंग करके देख लिया पहले, फिर हमिंग किया तो हमको सा मिला, सा सा पा पा मा तीव्र मा। और अगर हम यमन कर रहे हैं तो हमको पता है नी रे गा मा धनी सा नी ध पा मा ग रे सा। तो मैं जानबूझ के मैंने खड़े खड़े स्वर गाए तो आपको दिखेगा क्लियरली। तो अब साहित्य को हम देखते हैं, चंदन सा बदन, पहले हम मोटा मोटा स्वर देखेंगे, फिर उसमें फिर एक बार और देखेंगे तो थोड़ा डिटेल दिखेगा, फिर और बारीक से दिखेंगे तो और डिटेल दिखेगा, दैट्स द प्रोसेस। तो पहला हो गया बैरिंग दिखाना, सा पा कहाँ पर है, फिर उसके रिस्पेक्ट में राग के अनुसार, जैसे अब यमन है तो हमने नी रे गा मा भर लिया पूर्वांग में और मा धनी भर लिया उत्तरांग में, तो नी रे गा मा धनी सा हो गया, सा नी धा पा मा घर ऐसा हो गया आरोह अवरोह। तो अभी हम एक एक शब्द को अगर देखें, चंदन ही अगर लें, चंदन सा बदन, ये तो पूरी लाइन हो गई। तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके पहले देखना है तो हमको मोटे मोटे स्वर दिखेंगे, चंदन सा बदन, बहुत ही स्लो कर दिया मैंने और क्लियर दिख रहा है, फिर पा पा मा ग रे सा चंदन पा पा मा ग रे सा। फिर उसके बाद उसको आप कर्व बनाइए, जैसे पहले एपिसोड में मैं बता चुका हूँ कि स्वर जो हैं
वो एक जैसे अगर हमने पांच में बिठा दिए तो वो अपना अलग अलग खा पी के तो नहीं निकल लेंगे, आपस में कुछ बतियाएंगे। तो नी का रे से जोड़ होना चाहिए, गा से जोड़ होना चाहिए, पा से, माँ से, ये सब तो आपस में मिल के तब फिर एक यमन फैमिली बनेगी। तो उसको फिर आप डिटेलिंग कीजिए। तो प प म ग रे सा, अगर ये मोटा मोटा चल रहा है लेकिन उसमें फिर कैसे चलेगा? प प म ग रे सा, तो थोड़ा थोड़ा जुड़ गया। फिर चंदन सा बदन उसका हो जाएगा, चंदन सा बदन। आई होप आपको वो पॉइंट पकड़ में आ रहा है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की। धीरे से नी रे सा नी रे। अब ये सा नी थोड़ा कंप्रेस रहे तो उसको हम वो नी का ही कलर बोलेंगे, नी रे सा। ये तो मोटा मोटा हो गया, नी रे सा। तो रे सा से बात कर रहा है लेकिन गा से भी हेलो बोल के जा रहा है, रे ग सा। धीरे से तेरा ये रे ग सा, मुस्काना रे गा। अब पूरा देखेंगे अगर पा पा म ग रे सा, पा जो है गा से जा रहा है, गा पा पा म ग रे सा। ये स्वरों को जोड़ना अगर आपको विजुलाइज नहीं हो पा रहा है तो आप मेरे दूसरे वीडियोस देखिए जिसमें मैंने ग्राफ करके बताया हुआ है कि कोई भी स्वर जो है अपने आप ऐसे खड़ा नहीं रहता है, सब में कुछ ना कुछ लाग, घसीट, मींड, मुरकी, गमक सब कुछ लगा के ही स्वर आते हैं बाहर। इसलिए कहा जाता है कि भूपाली का गा अलग, यमन का गा अलग, वो श्रुत्यांतर तो है ही लेकिन ये लगाव भी अलग अलग राग में अलग अलग तरीके से। चंदन सा बदन, तो ये एक लेयर हमने करी थी मोटे मोटे की, फिर हमने उसमें थोड़ा बारीकियां देखी, फिर थोड़ी और बारीकियां देखी। फिर अगर हम उसको सामने वाले को सुलाना है तो हम मोनोटोन में गा देंगे, चंदन सा बदन चंचल चितवन पा पा मगनी सा, धीरे से तेरा ये मुस्काना। तो इसमें देखिए मैंने एक्सप्रेसिव नहीं किया उसको, तो सामने वाला सो जाएगा मोनोटोन देख के। तो उसको अगर एक्सप्रेसिव करना है तो नाउ फील चंदन सा बदन धीरे से तेरा ये मुस्काना, उसके साथ थोड़ा साहित्य के साथ जस्टिस करना है जो आप श्रृंगार रस कहना चाह रहे हैं। चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना, चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना। तो देखिए फर्क पड़ा होगा शायद। मुझे दोष न दे, अब मैं सारा चीज़ ऐसा सारे शब्द ऐसे खड़े करके फिर डिज़ाइन डाल के ये सब नहीं दिखाऊंगा, आप समझिए उसको थोड़ा, लेकिन इसमें स्वर दिखाता हूँ। मुझे दोष न देना जग वालों, ओ जाओ सा 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 नी पा, हो जाऊँ अगर मैं पासा गम प म प। ये थोड़ा सा इसमें मारुभिहक का कलर आ रहा है, सा गम प म प गम प म प प म गरे सा प म गनी सा नी रे सा रे गरे गा गम धा 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 प
पनि धनि प सा सा सनि प प गम प म प जियले गयो जी मोरा सांवरिया सा सा गरे म प म गरे रे ग स लगे मन में निधनि रे म लगे मन में अगन हुई निधनि रे मदनि प निस निध प नी प नाम गुम जाएगा पाप मरे मेरी आवाज गप सी प गप ग रे प ग जिंदगी भर नहीं गर ग पर सा भूलेगी नीरे रे बर रे रे सत किरा रे ग एक अनजान हसीना से मुलाकात किरा एहसान तेरा होगा मुझ पर। इस पर तो एक पूरा एपिसोड पहले बन चुका है, एहसान तेरा होगा मुझ पर, तो आप पहले मेरा लिंक में देख लीजिए पहला यमन वीडियो। ग ग रे ग रे सा नि द ध सा रे नि चाहता नि स रे रे सा। इसमें एक ये देखने की कोशिश कीजिए कि स्वरों को कैसे जोड़ जोड़ के चलना है। जब दीप जले आना जब शाम निरे पार ढले जाना ढले रे रे सनी सा। अब इस एपिसोड के लिए इतना ही, बाकी गाने लेके फिर हाजिर होऊंगा। शब्बा खैर।